एक 6 साल का लड़का अपनी 4 साल की बहन के साथ बाजार में था। अचानक लड़के ने पाया कि उसकी बहन पिछड़ रही है। उसने रुककर पीछे देखा, उसकी बहन एक खिलौने की दुकान के सामने खड़ी थी और बड़ी दिलचस्पी से कुछ देख रही थी। लड़का वापस उसके पास गया और पूछा, क्या आप कुछ चाहते हैं? बहन ने गुड़िया को इशारा किया। लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक जिम्मेदार बड़े भाई की तरह उस गुड़िया को उसे दे दिया। बहन बहुत खुश थी। दुकानदार सब कुछ देख रहा था और लड़के के परिपक्व व्यवहार को देख हैरान हो रहा था और दुकानदार से पूछा, इस गुड़िया की कीमत क्या है सर? दुकानदार एक शांत व्यक्ति था और उसने जीवन की बाधाओं का अनुभव किया था, तो उसने लड़के से बहुत प्यार और स्नेह के साथ पूछा, अच्छा तुम क्या भुगतान कर सकते हो? लड़के ने अपनी जेब से समुद्र के किनारे से एकत्र किए गए सभी गोले निकाल लिए और उन्हें दुकानदार को दे दिए। दुकानदार ने गोले लिए और गिनने लगा जैसे वह मुद्रा गिन रहा हो। फिर उसने लड़के की तरफ देखा। लड़के ने उसे चिंतित होकर पूछा, क्या यह कम है? दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, ये लागत से अधिक है, इसलिए मैं शेष को वापस कर दूंगा। इतना कहते हुए उन्होंने केवल 4 गोले अपने पास रखे और शेष वापस कर दिए। लड़का बहुत खुशी से उन गोले को वापस अपनी जेब में रख लिया और अपनी बहन के साथ चला गया। उस दुकानदार के एक नौकर को ये सब देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने अपने मालिक से पूछा, सर आपने महज 4 गोले के लिए इतनी महंगी गुड़िया दी? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हमारे लिए ये केवल गोले हैं, लेकिन उस लड़के के लिए ये गोले बहुत कीमती हैं और इस उम्र में वह समझ नहीं पाता है कि पैसा क्या है, लेकिन जब वह बड़ा होगा तो वह ज़रूर करेगा और जब उसे याद होगा कि उसने पैसे के बदले गोले के साथ एक गुड़िया खरीदी है तो वह मुझे याद रखेगा और सोचेगा कि दुनिया अच्छे लोगों से भरी है। यह उसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करेगा और वह भी बदले में अच्छा होने के लिए प्रेरित महसूस करेगा। माइंड मंत्र, आप दुनिया में जो भी भावना का उल्लंघन करते हैं वह आगे फैल जाएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छाई फैलेगी, यदि आप बुरा करते हैं तो नकारात्मकता फैल जाएगी।